नी रिप्लेसमेंट मतलब नी को काट के अलग कर देंगे, नया घुटना लगा देंगे, ऐसा नहीं है। नी रिप्लेसमेंट का मतलब है नी रीसर्फेसिंग। मैं डॉक्टर साइमन थॉमस, आई एम द डायरेक्टर ऑफ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट्स एंड ऑर्थोपेडिक्स एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग। आज मैं आपको बताऊंगा कि बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, यूनिलैटरल नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट क्या है और टोटल नी रिप्लेसमेंट क्या है। समझना पड़ेगा कि ऊपर की जो हड्डी फीमर होती है और नीचे की हड्डी जो टिबिया होती है, इनकी दो सतह होती हैं, एक अंदर की सतह और एक बाहर की सतह। जब हम बाहर की सतह और अंदर की सतह दोनों को हम चेंज करते हैं तो उसको टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। इसका मतलब नी पूरी तरह से नई सतह से कवर हो गया। आमतौर पर बहुत यंग पेशेंट्स को या बहुत अर्ली बीमारी में कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ घुटने का अंदर का पोर्शन वेयर आउट होता है। ऐसे केस में हम आउटर एस्पेक्ट को टच नहीं करते, छोटे से इंसिशन से इनर साइड की सरफेस को दोबारा से रीसरफेस कर देते हैं। इसको हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। दोनों घुटनों को एक साथ करवाते हैं तो उसको बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, और जब एक एक करके घुटना रिप्लेस होता है उसको यूनिलैटरल या सिंगल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। यूजुअली आप लोगों को, जिन लोगों को घुटने की प्रॉब्लम है, उनको टोटल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है, यानी कि दोनों कॉन्डाइल्स, दोनों सर्फेसेस को रीसर्फेस कर देते हैं और ये घुटना लंबा चलता है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में, जिसमें कि कार्टिलेज लॉस हो जाता है, चोट हो जाती है, या बहुत ही यंग पेशेंट्स या बहुत ओल्डर पेशेंट्स जिनको बहुत बारीक बीमारी है, कम टाइम की सर्जरी करनी है, उनको हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में घुटने की सिर्फ अंदर की सतह रीसरफेस होती है, उसमें पैर सीधा नहीं होता, जितना आपका पैरे पैर तिरछा था उतना ही रहता है, लेकिन पेन चला जाता है। मेजॉरिटी ऑफ लोग बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट यानी कि दोनों घुटने साथ साथ रिप्लेस कराते हैं, लेकिन अगर आपके एक ही घुटने में प्रॉब्लम है, दूसरा घुटना आपको तंग नहीं कर रहा, तो ऐसे केसेस में हम लोग सिर्फ वही नी रिप्लेस करते हैं जो आपको तंग कर रहा है, जो नॉर्मल साइड है उसको छूने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सर्जरी हमेशा अफेक्टेड यानी कि उस पार्ट की होगी जो आपको तंग कर रहा है, तकलीफ दे रहा है। पेशेंट जिनका वेट बहुत ज्यादा है, 100 किलो से ज्यादा है, या BMI 35 या 40 से ज्यादा है, जो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है सर्जरी के, यानी कि घुटने तो दोनों खराब है लेकिन आप सर्जरी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, आपको लगता है कि इस घुटने सर्जरी के बाद शायद मैं बिस्तर पे ना आ जाऊं, तो आप एक घुटना कराने के बाद दूसरे घुटने की तरफ जा सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी बॉडी पर स्ट्रेस सर्जरी का कम पड़ेगा, आपको सर्जरी में कॉन्फिडेंस आएगा, और आपका रिहैबिलिटेशन यानी कि थेरेपी और पोस्ट ऑपरेटिव मोबिलाइजेशन बहुत फास्ट होगा। तो ऐसे पेशेंट जब एक घुटना कराते हैं तो कॉन्फिडेंटली दूसरे घुटने की बात भी करते हैं। मैं ये बोलते हुए एंड करना चाहूंगा कि इन टर्म्स में कंफ्यूज ना हो, अगर आपको पहली बार में आपके डॉक्टर से की कन्विक्शन नहीं मिली तो दोबारा बात करें, अगर उससे भी नहीं मिली तो तीसरी बार बात करें। बात करना जरूरी है क्योंकि सर्जरी आपकी है, आप जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, कंफ्यूजन से दूर नहीं होंगे, सर्जरी का सेटिस्फैक्शन नहीं प्राप्त कर सकते। आई होप यू फाउंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज, प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।